दोस्तों अगर आपने भी जो रिक्वेस्ट यहाँ पर डाल दी, यानी कि जियो से अगर दूसरी सिम में आपने मतलब पोर्ट करवाने की कोशिश की और आपने SMS भी कर दिया है, उस रिक्वेस्ट को आप वापस कैसे ले सकते हो यानी कि कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि देख सकते हो मैंने जियो से एयरटेल में पोर्ट करने का जो है SMS सेंड किया था, अब वो मुझको कैंसिल करना है। अगर आपने जियो से आइडिया में या फिर बाकी जो सिम है उसमें किया था, तो उस रिक्वेस्ट को कैसे आप वापस लेकर कैंसिल कर सकते हो। तो देखिए कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो मैसेज ओपन है सिंपली उसको ओपन करना है, जो मैसेज होता है मोबाइल का सिंपली उसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या मैसेज करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मैसेज करने के लिए सिंपली प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद रिसिपिएंट में आपको नंबर डालना है 1900, उसके बाद राइट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज क्या करना है, ये मैसेज आपको उसी सिम से करना है जिस सिम को आपको पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट दीजिए। तो यहाँ पर सिंपली कैपिटल में आपको लिखना है कैंसिल, कैंसिल लिख के आपको सिंपली एक स्पेस देना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर सिंपली इंटर कर दीजिए जिस नंबर को आपने पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट दी थी, उसके बाद उसी नंबर से आपको इसको सेंड कर देना है। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर पोर्ट की वो कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर आपने कर दिया है और आपको बाद में लगता है कि इसे कैंसिल करें तो इस तरीके से सिंपली कैंसिल कर सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल है, ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी आपके सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।